हाय फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आई एम वेरी मच हैप्पी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल मैंने मन की बात प्रोग्राम मोदी जी का सुना और वो हर टॉपिक हर बात पर करते रहते हैं, लेकिन जो कल उसमें जो मेन मेरे लिए मेरी कह लो कि एक जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था, जब उन्होंने डॉग ब्रीड के ऊपर बात किया। हाँ, उन्होंने डेफिनेटली इंडियन ब्रीड के ऊपर बात किया, लेकिन वो एक ऐसी तार है जो हर चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हम जो ब्रीडर हैं, हमारे सेक्शन या सेगमेंट कह लो या हमारे टॉपिक या हमारी लाइन कह लो पर कोई बात कर रहा है। क्योंकि जो जितना मैं जानता हूँ, लगभग लाखों ब्रीडर हैं इंडिया में, करोड़ों लोग डॉग रखते हैं इंडिया में, और फीड से लेकर एक्सेसरी, इनके खाना पीना, दवाइयाँ, हजारों कंपनियां हैं, उसमें करोड़ों लोग काम करते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी अरबों की इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। तो लेकिन मैटर है कि इंडियन ब्रीड्स के ऊपर, हाँ, हमारा भी इतना हो सकता है कि फोकस रहता है कि इंडियन ब्रीड्स के ऊपर, लेकिन इसमें जो हमें लगा कि क्या चूक हो गई, क्योंकि जो मेरी कंपनी है बोला छोला, हमारी अक्सर टीम अक्सर ईमेल्स वगैरह हर ऑफिशियल को डालती रहती है हफ्ते में, महीने में एक दो बार, तो उनके साथ अपडेट हम करते रहते हैं। बहुत खुशी हुई कि कल उन्होंने कोई ऐसे टॉपिक को टच किया मोदी जी ने। तो मेन मुद्दा क्या है जो मेरे को फील हुआ, अगर मैं बात करूं कि अमेरिका की ब्रीड्स या चाइनीज ब्रीड, यूरोपियन ब्रीड क्यों फेमस है, क्योंकि जो 20 साल या 30 साल पहले जिस तरह के डॉग उनके पास थे, उन्होंने उसमें शोध किया है, अपग्रेड किया है, लैब में टेस्ट हुए हैं, अलग अलग ब्रीडों के क्लोन को मिक्स कर कोई नई ब्रीड जनरेट की है। उसमें से बहुत ब्रीडें नहीं भी प्रचलित हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत सारी ब्रीडें प्रचलित हुई। हमसे एक वो चूक हो गई, हमारे पास बहुत सारी बढ़िया बढ़िया ब्रीड है, राजा पलिया, मुदुल हॉन्ड और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं, लेकिन जो शोध होना था ना, वो नहीं हो पाया, जो मेरे को एक लैक लगा। क्योंकि अगर आज से 20-50 साल पहले जिस तरह लोगों की थिंकिंग, जो उनकी ज़रूरतें थी, जिस तरह उनका रहन सहन था, वो अलग था। अभी के टाइम जिस तरह मोस्टली यूथ, इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है, इसमें बहुत सारे 40 एज से कम लोग रहते हैं, तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू उनके ध्यान में रखते हुए आजकल क्या उनकी चॉइस है, किस तरह की वो डॉग ब्रीड बॉडी स्ट्रक्चर बिहेवियर वाइज लेना चाहते हैं, लाइफस्टाइल उनका कैसा है, कौन सी ब्रीड रखना पसंद करते हैं। अगर ये चीज़ें भी हमारी, अगर कोई संस्था है, कोई एनिमल जो शोध करती है, जो लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, अगर इनके ऊपर भी कोई ध्यान दे, ब्रीडरों का एक ग्रुप होना चाहिए, साथ में बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर होने चाहिए, जो मिलकर एक अच्छी ब्रीड, ऐसी ब्रीडों के ऊपर काम हो जो कि जिनको और बेटर बनाया जा सकता है आजकल के माहौल के हिसाब से, बिना ज़्यादा छेड़खानी किए। तो जैसे कि आप जानते हो पिटबुल, अमेरिकन बुली, ये भी क्लोन से बने हैं, रॉटवाइलर, डॉबरमैन पिंचर, बहुत सारी ऐसी ब्रीड हैं, अगर मैं आप नाम लूँगा तो पूरा शो निकल जाएगा। ये कुछ मोटा मोटी ब्रीड हैं जो फेमस हैं, बट बनी कैसे हैं आप सब जानते हो। ऐसा ही अगर इंडियन ब्रीड के ऊपर हो, तो मेरी खुद एक ड्रीम रहती है कि भगवान ने जितनी उम्र दी है, जब भी मैं आंखें बंद करूँ ना, तो मेरे देश के भी जैसे किसी के नाम के ऊपर, किसी जिले के नाम के ऊपर, किसी स्टेट के नाम के ऊपर कोई ब्रीड्स हो, और जो इतनी फेमस हो कि वो ब्रीड इंडिया तो रिप्रेजेंट करे ही करे यूरोप में। अगर अमेरिकन कैनल क्लब का कहीं शो हो रहे हैं, डॉग शो हो रहे हैं, यूरोप में डॉग शो हो रहे हैं, चाइना में डॉग शो हो रहे हैं, रशिया में डॉग शो हो रहे हैं, तो हमारी ब्रीडें वहाँ हों और उसको इंडियन पर्सन भी रिप्रेजेंट करें और वो लोग भी पसंद करें। ऐसी ड्रीम है मेरी कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा कह लो ये जो डॉग का एक फैमिली है, ये इतना ऊपर रख जाए। तो थैंक यू मोदी जी, आप थोड़ा सा और एफर्ट अगर हो जाए तो ऐसी कुछ शोध हो जो ब्रीडों को और अपग्रेड किया जाए और बेटर वे से, आजकल के फ्यूचर के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आजकल की जो डिमांड है लोगों का लाइफस्टाइल के, उस हिसाब से ब्रीडें हों तो मच बेटर है। बहुत सारे लोग हाँ फॉरेनर ब्रीडों पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई बहुत पहले से ही फॉरेन से इंडिया में आ चुकी हैं, वो जेनेटिकली कह लो या बाया ओरिजिन कह लो, वो ब्रीडें हैं, कुछ चाइना से है, कुछ रशिया से है, कुछ अमेरिका से है, कुछ यूरोप से है, बट वो अभी आप कह लो कि वो लगभग इंडियन ब्रीड ही बन चुकी हैं, क्योंकि वो इंडिया के पैसे बाहर नहीं जा रहे, लोग बाहर से ब्रीड बहुत कम इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर इंडिया में ही वो ब्रीडें हैं जो ब्रीडिंग कर आगे, सिर्फ इंडिया का पैसा इंडिया में ही घूम रहा है। बट अगर हम इंडियन ब्रीड पर वो पैसा
कहीं घूमें तो और भी चार चांद लग जाए मेरे देश को। तो फ्रेंड्स, मेरा आप सबसे यही निवेदन है, चाहे स्ट्रेट डॉग पालिए, इंडियन ब्रीड ज़रूर पालिए, लेकिन मेरा हाथ जोड़कर विनती है हमारे गवर्नमेंट से भी, ऑफिशियल हाई ऑफिशियल डॉक्टर से भी, साइंटिस्ट से भी, जो भी हैं, इसको शोध कर कर, जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, हमारी कंपनी का एक्सपीरियंस रहा है, इसको हम और बेटर वे आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर कोई ब्रीड ऐसी बना पाते हैं, बनती है, तो वो एक इंडिया के डॉग ब्रीड को नई जान फूंकने का काम करेगी। होप आपको ये मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा और होप आप एग्री होंगे मेरे साथ में फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको फ्री डॉग चाहिए, तो हमने एक छोटा सा कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है कि कैसे आप एक फ्री डॉग ले सकते हो इन दो ब्रीडों में से, जर्मन शेफर्ड या पग, क्या आपको लेना है ये आप पर डिपेंड है, कैसा आपका घर है, क्या कितना समय आपके पास, आपको वॉच डॉग चाहिए, गार्ड डॉग चाहिए, या एक पग की तरह अच्छा फैमिली डॉग चाहिए। होला शोला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। अपने फेवरेट सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अपने दोस्तों, पड़ोसियों, पेट लवर्स के साथ हमारे वीडियोस और चैनल संबंधित जानकारी को साझा करें।